आवाज मेरी जा रही है आप लोगों तक हेलो फ्रेंड्स सर कैसे हैं आप लोग करंट अफेयर स्टेटिक्स को लेकर के हम बात कर रहे हैं अभी इस समय न्यूज़ में चल रहा है यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस और हम उनको भी ये अपने रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जो हमारे यहाँ मेंबरशिप नहीं लिए हैं ऑनलाइन में फ्री में हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो पढ़ाने का प्रस्पेक्टिव होता है एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है दूसरी चीज़ होती है सिविल सर्विसेज की जब प्रिपरेशन करते हैं हम तो हमें एक चीज़ बड़ा प्रॉब्लम्स में आती है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे एग्जाम्स की वो बहुत डिस्ट्रॉटेड फॉर्म में होती है रिस्टोटेड फॉर्म मीन्स डाटा की बहुत बिखरी हुई होती है उसको कंसोलिडेट करना बड़ा मुश्किल होता है कोई भी चीज़ जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही करना होता है कि उसको कंसोलिडेट करना पड़ता है उसको जो कि इकट्ठा करना पड़ता है और ये नए स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं आ, पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंजेस होता है अगर वो उसने सही से नहीं बनाया नए स्टूडेंट्स तो चैलेंजेस फेस करते ही करते हैं यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा हमारा कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे कंसोलिडेट कर दें आपको मैं बताऊं इन्फॉर्मेशन बहुत हर एक न्यूज़पेपर में आपको दो चार पेजेस टॉपिक्स के किसी भी टॉपिक्स का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है बट वो आपको कैसे फिल्टर करना है ये हम आपको बताएंगे और उस हिसाब से हम काम करते हैं टॉपिक्स है आज का जो है कि हम बात कर रहे हैं पॉलिटी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का प्रिलियंस में सवाल पूछा जाता है 2024 का सवाल भी पूछा गया था और उसमें मेंस में भी सवाल पूछा था इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है क्योंकि बड़ा है सब्जेक्टिव सवाल है तो जब सब्जेक्टिव कोई सवाल होता है तो इंटरव्यू में जाहिर सी बात है बातें वे तो क्वेश्चन किया ही जाता है आपसे अगर इंटरव्यू फेस करते हैं तो आइए आज बात कर रहे हैं हम हाँ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहे हैं यहाँ पे देखेंगे ओम बिरला है और यहाँ पे एक सुरेश है, के सुरेश करके दोनों लोगों की बात करेंगे हमने हल्का कि न्यूज़ पेपर में डिस्कस किया था बट यहाँ हम टू तो द पॉइंट करंट अफेयर स्टैटिक्स के साथ बात करेंगे होता क्या है कि जब कोई चीज़ होती है और वहाँ से लार्ज लेवल पे क्वेश्चन रेज होते हैं और डिस्प्यूटेड होती तो उसको ज़्यादा बात करते हैं हम बैकग्राउंड के साथ उसका इतिहास के साथ हम आज के साथ बात करेंगे और बहुत ही कंसोलिडेट होकर के बात करेंगे और इधर उधर की बातें नहीं करेंगे टू दी पॉइंट बात करेंगे थोड़ा सा हम आपके साथ ये चाहते हैं कि हम न्यूज की बात कर लें ठीक है दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है दे रहा है फिर भी हम एक ब्राइट कलर ले लेते ले हैं न्यूज़ की बात कर रहे हैं ठीक है न्यूज़ की बात कर रहे हैं न्यूज में क्या समाचार में क्या है सबसे पहले देखिए देखिए कि चार जून को जून को लोकसभा जो जनरल इलेक्शन हुआ एटीनथ एटीन लोकसभा का हुआ इलेक्शन उसमें रिजल्ट डिक्लेयर किया गया कोई भी ऐसी मेजोरिटी पार्टी नहीं थी कि जो 275 274 के आसपास नंबर्स ऑफ द एमपी को सिक्योर कर पाए और सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आई थी बीजेपी बीजेपी ये मुझे लगता टू फोर्टी बनाए थे फिर भी मेजोरिटी में थी, क्योंकि टू सेवेंटी चाहिए थी तो ये अपने अलाय के साथ जो है कि मिल करके बनाए इसको कहते हैं एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलाय कांग्रेस भी या फिर अपोजिशन या इंडिया ब्लॉक इस बार काफी मजबूत है जिसको हम कहते हैं अपोजिशन 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 की बात कर रहे हैं हम ठीक है और इसको हम एनडीए को रूलिंग के बाद क्योंकि रूलिंग के पास टू सेवेंटी फाइव के आसपास पास इनकी नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैं नंबर्स ऑफ़ द एम पीज हैं इस बात को लेकर के आज बात कर रहे हैं हम पॉलिटी का तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है टॉपिक हम बात कर रहे हैं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं कौन होता है प्रिसाइडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर हिंदी में क्या होता है मुझे नहीं याद आ रहा है अगर आप लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर की हिंदी अगर पता होगी तो बताइएगा प्रेसाइडिंग ऑफिसर वो व्यक्ति होता है ये जो हाउस का हाउस को कैसे चलाया जाए उसको जो कि प्रतिनिधि करता है ठीक है अलग अलग नाम से जाना जाता है लेकिन कलेक्टरली इसको प्रेसाइडिंग ऑफिसर के नाम से बुलाया जाता है और हमें पता है कि इंडिया में फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ठीक है किसकी फेडरल 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 है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मीनिंग ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ़ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है टायर में गवर्नमेंट होती है एक सेकेंड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भटक नहीं रहे बस आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है ठीक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार केंद्र सरकार जो होती है इस हिसाब का होता है और इनके बीच में डिवीजन ऑफ द पावर का क्लियरली डिफाइन होता है जो सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट बनाई गई है एक है यूनियन लिस्ट है आपका और दूसरा है स्टेट लिस्ट है और तीसरा लिस्ट है सबका सबके सब्जेक्ट में बनाया गया है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब है तो यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट भी बनेंगे ठीक है सेंट्रल लेवल पे एक बनेगी वो सेंट्रल लेवल पे बनेगी और स्टेट्स लेवल की बात करेंगे और लोकल अर्बन uh, की बात करें नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है हम दो सेक्शन की बात करेंगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो दो तो डायग्राम लेंगे एक सेंट्रल पे लेंगे या यूनियन यूनियन पे लेंगे ठीक है और एक है स्टेट्स पे ठीक है स्टेट्स की बात कर रहे हैं और सेंट्रल लेवल पे जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट क्या बोलते हैं पार्लियामेंट और इसको स्टेट इस लेजिटिव असम्बली के रूप में देखते हैं और हमारा ज़्यादा फोकस आप ले करके रहेगा पार्लियामेंट को बट थोड़ा सा इससे लिंक जो फंक्शन इस पर चलेगा वो राज्य स्टेट पे भी चलेगा समझिएगा हम अब अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करेंगे और इस हाउस में जैसे पार्लियामेंट है पार्लियामेंट तीन लोगों से मिलकर के बनती है ना हम सभी को पता है तीन लोगों से मिलकर के बनती है पहला होता है प्रेसिडेंट ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं दूसरा होती है लोकसभा होती है और तीसरा आपकी राज्यसभा होती है इज दैट क्लियर और राज्य लेवल पे भी ऐसा ही कुछ होता है बट उसको एक कहते हैं विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है हालांकि काउंसिल मतलब बाई कमरल जिसको बोल सकते हो केवल छः स्टेट्स में भारत में बाकी सब सिंगल स्टेट्स सिंगल हाउस है और जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है वैसे यहाँ पे असेंबली काउंसिल है बट काउंसिल हर स्टेट्स में नहीं छः स्टेट्स में है उन छः स्टेट्स का नाम है यूपी बिहार है आपका महाराष्ट्र है कर्नाटका है तेलंगाना है एंड आंध्र प्रदेश है दिस सिक्स स्टेट है द बाई कैमरल दैट इज कॉल बाई कैमरल मीन्स टू हाउस ऑफ द टू हाउसेस लोअर हाउस एंड अपर हाउस इसके साथ यहाँ पे हम बात करेंगे तब जब ये हाउस होती है लोकसभा राज्यसभा असेंबली और काउंसिल तो इसका एक हेड होता है मैं अलग कलर अब लूँगा अलग कलर से आपको बताने की कोशिश करूँगा इसको हेड करते हैं इसको एक हेड होते हैं हेड होते हैं कलेक्टिवली एक ही नाम यूज किया जाता है कहते हैं प्रेसाइडिंग प्रेसाइडिंग ऑफिसर ठीक है प्रेसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं बट जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा को हेड करता है उसको हम क्या बोल जाते हैं स्पीकर राइट right? जो राज्यसभा को हेड करता है इसको चेयर पर्सन के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं चेयर पर्सन या चेयरमैन राइट और यही वाला फंक्शन राज्य के स्टेट में भी काम करता है ये इसके लिए हो जाएगा ये इसके लिए हो जाएंगे राइट बट सपोज करिए किसी कारणवश स्पीकर बीमार हो जाए तो इसकी जगह कौन काम करेगा यह भी तो होना चाहिए ना? अगर बीमार पड़ जाए तो इसके लिए एक होता है डिप्टी इस्पीकर और यहाँ पे हो जाएगा डिप्टी चेयर पर्सन क्या होगा डिप्टी चेयर पर्सन गेटिंग माई पॉइंट बात को समझ में आ गया आपको अब आपके समझ में ये आना चाहिए कि इनका आप चुनाव कैसे होता है इलेक्शन कैसे होता है हम इसको इरेज़ करेंगे हम नेक्स्ट पे आएंगे क्या आएंगे प्रेसाइडिंग ऑफिसर प्रसाइडिंग ऑफिसर अब न्यूज में कैसे रहा है प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्योंकि एटीनथ लोकसभा इलेक्शन होता है और वहीं पे लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हो रहा है तो हम जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर इस है इसका चुनाव तो राज्यसभा लोकसभा का दोनों का डिप्टी स्पीकर स्पीकर का कर ले रहे हैं और इसके साथ यह भी है एक सेकेंड क्या वो इसके साथ हमें सब चीजों को कंसीडर करना चाहिए कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर फिर हम डायग्राम वही थोड़ा सा फिल्टर करके बनाएंगे इसका बैकग्राउंड के साथ करेंगे हम पार्लियामेंट की बात करेंगे पार्लियामेंट से ले रहे हैं पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्टिव असम्बली पार्लियामेंट में टू हाउसेस होते हैं लोकसभा लोअर हाउस भी बोलते हैं इसको राज्यसभा अपर हाउस भी बोलते हैं इसको राइट right? और इसमें यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसमें आपका स्पीकर इस और यहाँ पे डिप्टी स्पीकर होता है और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखेंगे चेयर मैन या चेयर पर्सन और यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन हो गया इतना अब देखिए अब इनका हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की बात करेंगे इलेक्शन में सबसे पहले हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो ये कोई और नहीं होता है ये हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ये चेयरमैन होता है राज्यसभा का ठीक है तो ये तो अलग हो गया लेकिन यहाँ पे जो डिप्टी चेयरमैन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते ये जो पार्लियामेंट में एमपी होते हैं उन्हीं में से इनका चुनाव किया जाता है चुनाव में इलेक्ट किया जाता इलेक्शन होता है। और इस साल का 2024 का जो स्पीकर का ये वाला चुनाव यूनिक था चुनाव यूनिक क्यों था कैसे था कौन है इस बात को समझना बात को कैसे समझना है कि इस साल जब से देश आजाद हुआ है तीसरी बार ऐसा हुआ है 2024 में कि स्पीकर की पोस्ट के लिए रूलिंग पार्टी और अपोजिशन की पार्टी का दोनों का कैंडिडेट खड़ा हुआ था हालांकि जीता तो रूलिंग पार्टी का और इससे पहले दो इंसिडेंट हुए थे एक आपका 1952 एंड दूसरा हुआ था आपका 1976, राइट इसमें हो गया था तो जो स्पीकर का चुनाव किया, तो जो जो चुनाव किया गया तो जो दो खड़े हुए थे उनके नाम भी हम आपको दिखाएंगे जो अभी 2003 2024 में खड़े हुए थे एक तो जो प्रीवियस स्पीकर थे उनको ही किया गया था जिनका नाम है ओम बिरला जो अपोजिशन के अपोजिशन से खड़े थे ये हैं के सुरेश इज दट क्लियर ओम बिरला आपका बीजेपी या फिर एनडीए एन की तरफ से ये अपोजिशन या फिर इन डिया ब्लॉक से थे बात समझ गए अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कितनी बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन रूलिंग पार्टी का दोनों लोग मिल करके स्पीकर के लिए कैंडिडेट खड़े किए थे तो तीसरी बार था 2024 का 5276 2024 इस साल कौन खड़ा था ये सुरेश खड़े थे ये हार गए बात समझ गए दूसरी चीजें होते होती इनका इलेक्शन होता है ऐसे ही नहीं कर दिया जाता है इलेक्शन लोग वोट करते हैं दूसरी चीज कौन डिसाइड कर कैसे इलेक्शन वगैरह का सब चीज होती है यह भी हमें पता होना चाहिए इन सभी चीजों को देखते हुए हम कंसीडर कर रहे हैं ठीक है लेकिन इसके साथ हमें बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट कब से आती है राइट right. इस चीज को लेकर के हम बात करेंगे और यह भी हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कौन से मेजोरिटी से कैसे होना चाहिए तो देखिए इनके जो है डेट वगैरह डिसाइड कर लिया जाता है और इनका सिंपल मेजोरिटी से याद करिए कैसे सिंपल मेजोरिटी से आप कहेंगे सिंपल मेजोरिटी का मतलब हो गया वन बाय टू प्लस वन जो प्रेजेंट होते हैं उनके वोटिंग का होता है हो गया लेकिन जब यह सिंपल मेजोरिटी का वोटिंग किया जाता है तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवर सीन कौन करता है उस पर उस समय कौन होता है उस सिचुएशन का तो उस समय एक होते हैं जिनको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे देखिए प्रो टेम स्पीकर हिंदी में भी बोलते हैं वही ये जो है कि देख रेख करते तो अब आपके दिमाग में यह चीज आना चाहिए कि तो प्रोटेम स्पीकर इस साल कौन था तो इस साल जो प्रोटेम स्पीकर थे भारत ट्रू हारी महतब अब इतना याद रखिए महतब करके मेहतक 2024 का मेहता 2024 का यहाँ पे लिख रहा हूं 2024 का प्रोटेम स्पीकर होते हैं बात समझ गए बट अब ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं इनको कैसे इलेक्ट या नॉमिनेट किया जाता है क्या आधार होता है यहां पे मैं ले रहा हूं प्रोटेम स्पीकर का प्रोटेम स्पीकर का मेहताब जो है मेहताब 2024 का जो प्रोटेम स्पीकर थे तो देखिए सीनियोरिटी देखी जाती है सीनियोरिटी कितनी है उनकी तो अब आप आपके दिमाग में मीनिंग ऑफ द सीनियोरिटी इज दैट नॉट मीन्स बाई एज एज के हिसाब से सीनियोरिटी नहीं देखी जाती है बिल्कुल गलत है कट कर दीजिए तो आपके यहाँ कैसे देखी जाती है जब टेनोर होता है टेनियोर कितनी बार आप एम पी एम एल ए बने हैं तो ये जो मेथब है सेवंथ टाइम एज एम पी के रूप में आए हैं सेवेंथ मीन्स सात बार पाँच साल हमेशा सा, पैंतीस साल से ये लोकसभा में है दूसरी चीज या भी यहीं पे याद रखिए इनका नॉमिनेट डेट वगैरह जो भी क्लियर किया जाता है ये जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं यह करते हैं बात समझ गए तो यह चीज़ हमें पूरे अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि आगे हमें कैसे आगे बढ़ना हम आगे डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को लेकर के लेकिन दोस्तों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93 थ्री वो है यह बात करता है स्पीकर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात करता है बात समझ गए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात करता है कैसे होने दूसरी अभी चीज बता दें हम आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में मतलब ये अंतर होता है कि जब स्पीकर रहेगा तो डिप्टी स्पीकर आज ये एम के रूप में काम करेगा नॉर्मल एम पी रहे लेकिन इनकी अवेल अन अवेलेबिलिटी मतलब अनुपस्थिति में अब्सेंटी में ये आज स्पीकर के रूप में काम करेगा बात समझ गए दूसरी चीज स्पीकर की अगर हम बात करते हैं तो जनरली ये देखा जाता है यह रूलिंग पार्टी से ही होता है मेजॉरिटी में और डिप्टी स्पीकर आपका पोजीशन पार्टी से होता है जनरली माना जाता है दूसरी बात यह भी है कि हम जब किसी चीज को लेकर के बात करते हैं तो हमें उसका पूरा डायमेंशन इतिहास से लेकर वर्तमान तक पता होगा तभी हम बातें कर पाएंगे करंट अफेयर्स के रिलेटेड हमने लगभग कुछ बातें की लेकिन अगर हम बात करें कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है स्पीकर या प्रेसाइडिंग ऑफिसर का पोस्ट तो दोस्तों ये बताएं हम जो पार्लियामेंट होती है या स्टेट लेजि हाउस स्टेट की होती है इन दोनों में हाउस में जो स्पीकर होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है वो बॉस होता है और बहुत इसको पावर मिली होती है इसको एक तो लॉ से मिली होती है एक हाउस रूल से मिला होता है पावर और एक कॉन्स्टिट्यूशन थ्री सोर्स ऑफ द पावर फॉर द प्रेसाइडिंग ऑफिसर इन इंडिया गिवेंट दूसरी अभी बात बता दें थोड़ा सा हम डाइवर्ट ले रहे हैं कि इसका तुलना हम क्योंकि तो हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन हम कर रहे हैं विदेशों की कॉन्स्टिट्यूशन से तो यहाँ पे जो स्पीकर की बात कर रहे हैं हम स्पीकर की जो बात कर रहे हैं हम ब्रिटेन की स्पीकर की बात करेंगे लेकर के कैसे ब्रिटेन का स्पीकर जब बनता है कोई एम पी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है तो वो किसी भी पार्टी का मेंबरशिप या सदस्यता नहीं लिया रहता वो रिजाइन दे देके फिर एम पी जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है क्योंकि वो न्यूट्रल तरीके से काम कर पाए बट इंडिया में ऐसा नहीं है क्या है इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में जैसे ओम बिरला वो बीजेपी के एमपी भी हैं और लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर भी हैं तो आप ये बताइए कि बीजेपी के बातों से कैसे वो अलग जा सकते हैं ठीक है उनको तो डर लगा रहेगा तो इस चीज को लेकर हमने बात की दूसरी चीज यह भी है पावर्स क्या होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो लोकसभा तो देखिए ये जो प्रोविजन है प्रोविजन लोकसभा में पहला उसका इंटरप्रिटेशन करता है इंटर करते हैं पहला चीज इसके साथ दूसरा ये कि प्रेसाइडिंग ओवर ज्वाइंट सेशन ये स्पीकर की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं स्पीकर की बात कर रहे हैं ये प्रेसाइड करता है इसपे ज्वाइंट सेशन का अब आप कहेंगे भैया सेशन क्या है ज्वाइंट सेशन तो जब मानिए कोई भी लॉ लोकसभा में एंड राज्यसभा के डिस्प्यूट में फंस जाए तब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है उसको कहते हैं शमन करना शमन करना बाई प्रेसिडेंट आर्ट ऑफ इंडिया और उसका जो हेड होता है वो लोकसभा का प्रेसाइडेंट लोकसभा का स्पीकर होता है एंड थर्ड थिंग इज मेंटेन लॉ एंड डेकोरम मेंटेन लॉ एंड डेकोरम डेकोरम की बात करता है एंड इसके साथ एक कास्टिंग वोटिंग करता है कास्टिंग कास्टिंग वोटिंग की बात करता है मीनिंग ऑफ कास्टिंग वोटिंग इज दैट सपोज करिए कोई रिजोल्यूशन लाया गया रिजोल्यूशन लाया गया हाउस में और वो 500 मेंबर हैं ढाई सौ एक तरफ आ गए दो सौ पचास एक तरफ ढाई ढाई सौ हो गए तो आप कैसे डिसाइड किया जाएगा तो उस कंडीशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर है वो जो कि आपका कास्टिंग वोटिंग करता है वो चाहे तो इस तरफ अपना वोट कर दे ये दो सौ इक्यावन हो जाए या फिर उधर दो सौ उनचास हो जाए ऐसे करता है एंड फिफ्थ जो इसको पावर मिलती है इसमें डिसाइडिंग द मनी बिल डिसाइडिंग मनी बिल मनी बिल की बात मीनिंग ऑफ द मनी बिल क्या होगी कौन होगी मनी बिल मनी बिल आजे मनी बिल के रूप में ये पावर किसके पास दिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे लोकसभा इसको स्पीकर इस बोलते हैं चेयरिंग कमिटी एंड अ ग्रुप यहां पे देखेंगे चेयरिंग कमिटी एंड अ ग्रुप ग्रुप्स की बात करता है कमिटी होती है दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी ये स्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट कमिटी कमिटी की बात करता है राइट right? यह हो गई प्रोटेस्ट प्रोटेक्टिंग द हाउस प्रिवेलेजेस प्रोटेक्टिंग हाउस प्रिवेलेजेस प्रिवेलेजेस क्या होंगे उन कोटेक्स में ये बात करता है बात समझ रहे हो एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट आई इसका अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे इसका ओरिजिन कहाँ से होता है तभी तो हमें मज़ा आएगा ना क्या इसको जब से बना तब से प्रेसाइडिंग ऑफिसर ही बुलाते हैं तो इसको लेके हम बात करेंगे अब ठीक है दिल थाम के बैठेंगे क्योंकि अब मज़ा आने वाला है क्यों जैसे ये इंस्टीट्यूशन इसका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ये ओरिजिन कब होता है ये पता होना चाहिए नाइनटीन ट्वेंटी वन में होता है बताए 1921 में और ये एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के रूप में देखते हैं इसके अंतर्गत ये पोस्ट आई थी बट उस टाइम स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर को प्रेसिडेंट एंड द डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में हम बुलाते थे बात समझ रेवा किस नाम से प्रेसिडेंट एंड द डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में बुलाते थे बट रिस्पेक्टिवली कब तक रहा उन्नीस सौ सैतालीस तक जब देश तो बट इसका नाम पहले ही बदल दिया गया था किस एक्ट के अंतर्गत ये आपका 1935 आ, के एक्ट के अंतर्गत ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम दे दिया गया था बट इसको कंटिन्यू करता चला गया था इसलिए और इनको लाया गया जब 1921 में और 1921 से पहले जो हाउस होती थी उसको जो चेयर करता था वो जो कि गवर्नर जनरल होता था जो वो करता था अब देखिए आप कहेंगे कि हमें तो खिचड़ी बना दिए, देखिए टाइम लाइन याद करिए नाइनटीन ट्वेंटी वन नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन नाइनटीन ये एक्ट है नाइनटीन फोर्टी सेवन ब्रैकेट में नाइनटीन थर्टी फाइव एक्ट क्लियर हो गया अब कहना क्या चाह रहे हैं जो उन्नीस सौ सैतालीस के बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पोस्ट अभी तक चल रही है इसको 1947 के पहले किस नाम से जानते थे प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट की पोस्ट 1921 में ओरिजिन होती है 1919 के एक्ट के अंतर लेकिन 1929 से पहले हाउस को कौन चेयर करता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करता था। इसके बाद से ये करने लगे और ये चले और इसको अभी ये आप सीरीज समझ गए होंगे हम कहने क्या जा रहे हैं समझ गए अब आइए यहां पे आते हैं निमली। पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट डिप्टी स्पीकर डिप्टी प्रेसिडेंट बने 1921 में उनका नाम हमें पता होना चाहिए वो होते हैं फ्रेडरिक्स वेटन होते हैं जो क्या बनते हैं ये प्रेसिडेंट बनते हैं दूसरे सचिदानंद सिन्हा ये क्या बनते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं पहली चीज बट अब सवाल ये भी आता है इतिहास में से सवाल पूछे गए पहले ऐसे कौन भारतीय थे कि जो कि डिप्टी स्पीकर प्रेसिडेंट बने या डिप्टी स्पीकर वो कौन है सचिदानंद सिन्हा बट वो कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फर्स्ट स्पीकर बनते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा का बनते क्या नाम है उनका विठल पटेल क्या नाम है विठल जी भाई पटेल ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा भाई होते हैं बस समझ गए क्या होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के और एक कब बनते हैं 1925 में चेंज अब ये चीजें जब चेंज हो जाती है उन्नीस में लेकर के प्रेसिडेंट डिप्टी स्पीकर वही मगर ओल्ड नेम जो कि किया गया सैतालीस तक चला जैसे बट अब आप, आप देखिए कि जब 1947 में इस प्रेसिडेंट स्पीकर बन गया डिप्टी प्रेसिडेंट डिप्टी स्पीकर बन गया तो वो कौन से पहले व्यक्ति थे तो जो आपका पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बने जी वी मावलंकर एंड अनंथा शोन जो होते हैं अगर पहले फर्स्ट स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर बनते हैं रिस्पेक्टिवली जी वी मावलंकर आल्सो हेल्थ द ऑफ द स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली स्पीकर और ये 1946 से लेकर के उन्नीस सौ छप्पन दस साल तक सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट बट एक चीज याद रखिए पहला जनरल इलेक्शन कब होता है फिफ्टी वन फिफ्टी टू में क्योंकि दिसंबर से अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलता है ठीक है तक चलता है। इससे पहले तो डोमिनेंट गवर्नमेंट थी इंटरिम गवर्नमेंट थी तो उसमें भी प्रेसिडेंट करना था मावलंका तो ये चीज हमें पता होना चाहिए अब आइए डिप्टी स्पीकर का भी देख लेते हैं हमने हालांकि डिस्कस कर लिया डिप्टी स्पीकर प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे एज अ प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट वैकेंट ऑफिस इमीडिएट अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड बता रहा हूँ जो स्पीकर की पोस्ट होती है स्पीकर की जो पोस्ट होती है ये जनरली पाँच साल तक होता है और अगर गवर्नमेंट नहीं होती है तब भी ये कंटिन्यू करते हैं कब तक जब तक नई इलेक्शन ना हो जाए जैसे नया इलेक्शन हुआ वो अपने पोस्ट से रिजाइन या फिर हट जाएंगे बट नया इलेक्शन डिक्लेयर होने से न्यू इलेक्शन डिक्लेयर न्यू इलेक्शन रिजल्ट से लेकर के फर्स्ट सिटिंग सिटिंग द हाउस तक के लेकर के इस टाइम पीरियड में कौन काम करता है स्पीकर की जगह प्रोम स्पीकर कौन काम करता है प्रोटेम स्पीकर काम करता है अब इसका काम क्या होता है कि जो ये न्यूली वर्क इसका जो है दोस्तों वर्क जो इलेक्टेड न्यूली जो इलेक्टेड एमपीज आते हैं उनको ओथ दिलाना क्या दिलाना शपथ बात समझ गए कितना काम्बर द प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया जो होता है प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर ऑल पावर जैसे स्पीकर को होती है प्रेसाइड ओवर द फर्स्ट सेटिंग न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेन ड्यूटी ऑफ इज टू इनकी होती है एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रीन्यूअली मेम्बर जो मैंने अभी बता दिया आपको ओवरली हाउस इलेक्टेड न्यू स्पीकर ठीक है फिर उसके बाद न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफिस ठीक है स्पीकर सीट टू ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ किया और आपको कोई डाउट होगा कि मैंने कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन या फिर इनकम्प्लीट दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या हमें कॉल कर सकते हुआ कि हमने क्या सही आपको बताया क्या गलत बताया हम आपका वेलकम करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्यों ये शब्द बोला तो आप भी प्रूफ करेंगे कि सही है गलत है तो आज के लेक्चर में ना, तब कल थैंक यू फॉर डिस्कशन नाइस